उस $1400 से हमारा एक वीडियो वायरल हुआ आदि पुरुष का, उसे सिर्फ 14 घंटे में ही $700+ उससे हमने अर्निंग किया था। फिर उसके बाद द कश्मीर फाइल्स आई। तो ये छोटी छोटी मूवीज ऐसी होती है जिसका कोई नामो निशान नहीं होता, लेकिन इनकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है और जब चर्चित में आती है तो ये मूवी क्लिप्स उस कंटेंट को अपलोड करके लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं। जी सर, जी सर। मेरे दोस्त, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, फेसबुक पर मूवी अपलोड करके इन्होंने $1400 कमाए। $1400 कितना होता है पता है? ये लाख रुपए के आसपास होता है। और इन्होंने केवल फेसबुक पर मूवी अपलोड करके कमाया है, और केवल मूवी ही नहीं, फेसबुक पर रील भी अपलोड करके $192 कमाए। फेसबुक पर बिना मेहनत का कॉपी पेस्ट करके इधर से वीडियो उठाकर वहां पर डालो और लाखों रुपए कमाओ। लेकिन इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको छोटा सा ट्रिक जानना होगा। वो टिप एंड ट्रिक्स आज आपको बताएंगे कि आपको वीडियो कहां से लेना है, कैसे वीडियो अपलोड करना है, कैसे वीडियो पे व्यूज जाएगा, मूवी कौन सी लेनी है, कौन सी मूवी नहीं लेनी है, कौन सी सीरीज अपलोड करनी है, जिससे आप बिना कोई खुद के कंटेंट का आप पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि ये खुद कमाते हैं। और इनकी स्टोरी जानने के बाद आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। जब ये बंदे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पर नए हो या सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो भाई, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है और आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर, जो कि आपने मुझे अपने चैनल पे आने का मौका दिया ताकि मैं ऑडियंस को बता सकूं कि मैं किस तरीके से फेसबुक पर कॉपी पेस्ट करके अर्निंग करता हूं। तो दोस्तों, मैं आप सबको कुछ अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है मोहन और मैं बिलोंग करता हूं बिहार के वैशाली जिले से। तो आप फेसबुक से अर्निंग कैसे करते हो, वीडियो कहां से लेते हो, मूवी कहां से उठाते हो, कैसे कोई बंदा फेसबुक पर मूवी अपलोड करके पैसे कमा सकता है, ये सब कुछ जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपकी स्टोरी जानना चाहूंगा कि आपकी फैमिली कंडीशन कैसी है और जब आप कमाई नहीं कर रहे थे तब कैसी थी? तो दोस्तों, जैसे कि सर ने पूछा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टाइम तो कंडीशन काफ़ी हद तक अच्छी हो चुकी है, क्योंकि मैं अच्छा खासा फेसबुक से अर्न कर पा रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ में मैंने टाइम दिया था और सीखा भी था ये सारी चीज़ें कैसी होती है। लेकिन उस टाइम के कंडीशन की बात करूँ तो उस टाइम कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ करता था। तो मेरे पापा एक राजमिस्त्री का काम करते हैं, मतलब मजदूरी करते हैं, और उनको सिर्फ दिन का 700 रुपये मिलता है, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने का। और एक आज का टाइम है, मैं किसी ऐसे पेज होते हैं किसी किसी पेज से 700 रुपये, तो क्या मैं 7,000 रुपये एक दिन में अर्न कर लेता हूँ जब वीडियोस वायरल होती है तब। और केवल ये मूवी और कॉपी वाली ही? जी सर, ये मूवी क्लिप्स होती है और रील्स होती है। और ये मूवी क्लिप्स और रील्स ही नहीं बल्कि बहुत सारी कैटेगरीज है जिसमें आप काम कर सकते हो, लाइक न्यूज़ का हो गया, टीवी सीरियल्स हो गया, या फिर चाइनीज़ वीडियो हो गई, जैसे कि उधर की शॉर्ट्स रील्स होती है वो हो गई, और भी आप जो दूसरे कंट्री की वीडियोस होती है जिसको हम प्रीमियम कंटेंट बोलते हैं, जिसमें किसी लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं होती, मतलब किसी बोली की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जो वीडियो के फॉर्मेट से समझाया जाता है बॉडी लैंग्वेज की तरह, मतलब एक स्टोरी दिखाया जाता है जिसको हर एक कंट्री के वीडियो मतलब लोग देख सके, उसको हम प्रीमियम कंटेंट बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज है, जितना ज़्यादा आप इसके अंदर इस फील्ड में आओगे उतना ही ज़्यादा आपको नॉलेज होगा और उतना ही ज़्यादा आप अर्निंग कर पाओगे। तो अभी आपको ये बहुत कुछ सिखाने वाले हैं कंटेंट को लेकर, जो कि कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको जरूरी है जानना। अगर आप ये जानते नहीं हो तो बहुत मुश्किल काम है कि आप शायद इन सब चीजों से कभी पैसे कमाओ। लेकिन जो कंप्लीट वीडियो देखेगा, जो इनकी बातों को ध्यान से सुनेगा, वो बहुत हद तक सीख जाएगा और बहुत हद तक उसकी सारा डाउट जो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं बात कर लेते हैं कि यार देखो, इतने टाइम लोग फेसबुक पे काम कर रहे हैं अपने खुद के कंटेंट के साथ, कोई यूट्यूब पर काम कर रहा है, और मैं भी फेसबुक पर जब मूवी भी देखता रहता हूँ तो मेरे दिमाग में भी आता है यार कि मूवी से पैसा कमाते जरूर है, लेकिन कैसे कमाते ये मेरे को आइडिया नहीं था, और आज ये बताएंगे। तो आप जैसे बताइए कि कैसे आपकी इन सब की शुरुआत हुई, आपकी शुरुआत कैसे हुई कॉपी पेस्ट वाले फील्ड में, आप कैसे? जी सर, इसको मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा क्योंकि है कुछ इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों, ये शुरुआत होती है 9th class 2016, जब मैं 9th class में था, और बात है 2016 की। तब मैं कंप्यूटर क्लास जाता था और उस दौरान वहीं पे एक रितेश सर थे और एक आदित्य सर थे, जो कि जब कंप्यूटर क्लास ख़त्म हो जाया करता था उस दौरान मुझे वो लोग, मुझे एडिटिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था और उसमें दिलचस्पी भी थी, तो वो लोग मुझे एक मूवी क्लिप्स देते थे और बोलते थे इसके पार्ट्स आगे पीछे करना है, थोड़ी स्पीड वगैरह चेंज करनी है, तो जो भी उसके एडिटिंग के प्रोसेस होते थे वो मुझे बता के बोलते थे कि इसको एडिटिंग कर। तो मैंने 2-3 दिन एडिटिंग किया, लेकिन चौथे दिन उन्होंने मुझे 20 रुपये दिए सिर्फ एक मूवी क्लिप्स को एडिटिंग करने के। मैं आपको बता दूं कि 350 रुपये
उस दौरान मेरे को एक महीने का कंप्यूटर जो कोर्स था महीने का मुझे देना पड़ता था। और मैं आपको बता दूं कि वो एक दिन जो उन्होंने 20 रुपये दिया वो डेली आने लगा मेरे को, क्योंकि उन्होंने मेरा काम देखा और उस काम से वो लोग इम्प्रेस हो गए। तो वो महीने का 600 रुपये महीने का आपका 600 रुपये हो गया। जहाँ पे मैं 350 रुपये कंप्यूटर का पूरे महीने का देता था वहीं पे मेरे को 600 रुपये वहाँ से मैं अर्न भी कर लेता था। और उस दौरान सर मैं आपको बता दूं कि मेरे को पता भी नहीं था कि उस मूवी क्लिप्स का वो लोग क्या करते हैं, मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। जैसे जैसे मैं उस चीज़ में एक्सपर्ट हुआ वैसे वैसे मेरे को वो लोग अर्निंग्स थोड़ी ज़्यादा देते गए। तो एक टाइम ऐसा है कि मेरा वहाँ पे कंप्यूटर का जो कोर्स था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो कंप्यूटर का कोर्स ख़त्म हो गया तो वो लोग सोचने लगे कि भाई ये अब तो आएगा नहीं। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि भाई आपको हम 100 रुपये दिन का देंगे, 3000 का महीना आपको आना है और कुछ मूवी क्लिप्स देंगे, उसको एडिटिंग करके आपको चले जाना है। तो मेरे को तब 1.5 से 2 घंटे लगते थे। तो उस दौरान की बात है जो कि मैं महीने का 3000 रुपये कमाता था, डेली का 100 रुपये, और मेरे क्लासमेट मुझे देख के कहते भाई तू तो अब पैसे कमाने लगा, ये वो। मतलब बहुत थोड़ी होती है ना कि जैसे आप जिस फील्ड में हो और अपने जो क्लासमेट है या फिर फ्रेंड सर्कल है थोड़ी सी तारीफ होने लगती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो एक दौरान एक टाइम ऐसा है कि उन दोनों सर के बीच में झगड़ा हो गया, आदित्य सर और रितेश सर के बीच में। तो उन्होंने जब झगड़ा हो गया तो उन दोनों का सिस्टम जो था वो बिगड़ गया। उसके बाद उन्होंने उनमें से जो आदित्य सर थे उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि भाई तुम मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें कुछ मूवी क्लिप्स एडिटिंग करने के लिए दूंगा। तब मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन हुआ करता था, तब मैंने नया नया लिया। उन्होंने मुझे अपने पेज का एक्सेस दिया। तो मैं इस चीज़ को जान के शौक हो गया सर कि भाई किसी और का पेज भी मेरे फ़ोन में आ सकता है। तो उनका जो पेज था वो मेरे फ़ोन में आ गया। उन्होंने बताया कि इस तरीके से आपको मूवी क्लिप्स एडिट करना है, इस पर अपलोड करना है, मैं आपको महीने का इतने पैसे दूंगा। तो उन्होंने कुछ पेजेस जो दिए मुझे उन पेज पे मैं उनको एडिटिंग करके अपलोड करने लगा, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद उन दोनों में झगड़ा हो गया। तो और जब झगड़ा हुआ था तो मेरे को ये काम मिला। तो उनमें से जो रितेश सर थे उन्होंने मुझे ज़्यादा पैसे ऑफर किया कि भाई मैं आपको ज़्यादा पैसे दूंगा, उनको छोड़ के मेरे पास आ जाओ, क्योंकि उनका काम बन नहीं रहा था और कोई लड़का एक्सपर्ट नहीं था और नए लड़के को तैयार करने में उनको टाइम लगता। तो उस दौरान मेरे को जब दोनों में झगड़ा होने लगा तब जाके मुझे समझ आया कि भैया मूवी क्लिप्स का ये लोग करते क्या। तब भी मेरे को नहीं पता था कि इस मूवी क्लिप से सर इतने ज्यादा पैसा ये लोग अर्न कर रहे हैं। जी सर, उनके दोनों की लड़ाई में फायदा आपका हो गया। जी सर, 5-6 महीने काम करने के बाद मेरे को पता चला कि भैया ये मूवी क्लिप से लोग बहुत ही ज्यादा अर्न कर रहे हैं। अच्छा, अब जरा से ये बताइए यार, मूवी क्लिप से अर्निंग करने के लिए क्या क्या चीजें इम्पोर्टेंट है, उनको मतलब कि मूवी कहाँ से डाउनलोड करनी चाहिए, जी, कैसी मूवी अपलोड करनी चाहिए फेसबुक पर ताकि फेसबुक जो है वो वीडियो को डिलीट भी ना करें और अच्छा खासा पेमेंट भी दे, जी, कैसे क्या प्रोसेस है? जी सर, देखो यहाँ पे मूवी क्लिप्स के लिए मैं वीडियोस देखता हूँ, बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल होती रहती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जो प्रोसेस है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। मूवी क्लिप्स के लिए पहले आपको रिसर्च करना पड़ता है। अब आप लोग कहोगे कि भाई हम साइंटिस्ट हैं जो कि रिसर्च करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस वीडियो को डाल रहे हो, मान लो कि कोई मूवी क्लिप्स है उसको आप फेसबुक पे डाल रहे हो, तो उसको रिसर्च करना है कि भैया ये मूवी क्लिप्स जो है कौन सी मूवी का क्लिप है और इस मूवी क्लिप का जो OTT का जो इसका कॉपीराइट ऑनर कौन है। देखो जब सिनेमा हॉल में होता है उस वक्त अगर आप लोग डाउनलोड करके आप डाल रहे हो तो ठीक है, जब उसका OTT जो कॉपीराइट बिक जाता है OTT, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ आती है, जैसे कि पुष्पा मूवी आई थी पुष्पा, तो वो Amazon प्राइम वालों ने उसको खरीद लिया। तो उसके बाद जैसे ही आप पुष्पा मूवी का क्लिप डालते हो तो Amazon वाले प्राइम वाले आपका स्ट्राइक मार देंगे, आपका वीडियो को ब्लॉक कर देंगे। और ऐसा आप में से अगर किसी ने काम किया होगा तो आपको पता होगा कि मूवी क्लिप्स ब्लॉक हो जाती है, तो इसीलिए ब्लॉक हो जाती है, आप उस चीज़ को रिसर्च नहीं करते हो और उसका जो है वो आप जानते नहीं हो कि इस मूवी क्लिप्स का जो कॉपीराइट है जो बिका है या नहीं OTT पे, और उस मूवी क्लिप्स को डाल देते हो। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है। कैसे पता करना होगा कि न्यूज़ आर्टिकल है या फिर कुछ वेबसाइट वगैरह है, कैसे आप पता करते हो? सर ये ऐसे पता करते हैं, लाइक जैसे कि अभी शाहरुख खान की मूवी आई थी जवान, ठीक है, तो अभी इस मूवी का जो रेड चिली एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी है जो कि उनका खुद का एक प्रोडक्शन हाउस है, ठीक है, तो अभी तक जो ये मूवी है किसी ने इसका OTT नहीं खरीदा है। अब इसका मूवी का जो OTT खरीदते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सामने उस मूवीज का ऐड दिखने को मिल जाता है कि भैया अब इसको मोबाइल पर देखना है तो Amazon प्राइम डाउनलोड कर लो या फिर Hotstar डाउनलोड कर लो, वो ऐड खुद ही चारों तरफ आपको दिखने लगते हैं कि अब जवान देखना है तो मोबाइल से देख सकते हो Amazon प्राइम या फिर इसका, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें ऐड उनकी मार्केटिंग में चलने लगती है, मार्केट में आने लगती है कि भाई आप मोबाइल पे भी आप देख सकते हो, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि भैया इसका OTT है जो कि बिक गया है। और ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारी पुरानी मूवीज़ है जो जिसका OTT अभी नहीं बिका, सिर्फ वो टेलीविज़न पर आ रहे हैं, मतलब TV पर आ रहे हैं,
बस और जो सिनेमा हॉल में लगे हैं। तो बहुत सारे आप देखते भी होंगे कि भाई पुराने मूवीज़ भी आ रहे हैं, तो पुराने मूवीज़ का क्या सीन है? तो पुराने मूवीज़ का भी वैसा होता है जैसे कि कोई ज़्यादा पॉपुलर मूवी है पुराना मूवी, तो उसको OTT भी लोग खरीद लेते हैं, OTT का कॉपीराइट, तो वो किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। ठीक है, मतलब ये कि जो मूवी अगर कोई OTT वाले खरीद लेते हैं तो उस मूवी को अपने ID पे अपलोड नहीं करना है। नहीं करना है, वो ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि गोल्ड माइंस का जो एक चैनल है, मूवीज देखने वाले को पता होगा, तो गोल्ड माइंस जो चैनल है यूट्यूब पे, आप देखोगे अगर फेसबुक पे सर्च करोगे तो उसका 60 मिलियन फॉलोअर्स है। तो जो गोल्ड माइंस के बैनर तरह जो भी गोल्ड माइंस जिस भी मूवी का OTT उसका खरीद लेते हैं कॉपीराइट, तो वो तो आपको डालने नहीं देगा, तो वो सारी मूवीज अपने पेजेस पे भी डालते हैं, यूट्यूब पे भी डालते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि इसका OTT किस किन ने खरीदा है। तो ऐसे एक RKD स्टूडियो है, आदित्य मूवीज, ऐसे बहुत सारी हैं, लेकिन आपको यही ध्यान देना है कि इसका OTT अभी तक किसी ने खरीदा है या नहीं, उसे डाल के आप डाल सकते हो। लेकिन बहुत बार ऐसे लोग बोलते हैं कि भैया ऐसे में तो हम नए हैं तो हमें पता नहीं चलेगा, तो इसका भी सलूशन है कि आप सभी को अगर पता नहीं चल रहा है तो आप लोग एक चीज़ कर सकते हो। अब वो चीज़ है कि लाइक कोई पुराना क्रिएटर है फेसबुक पे, आप उसके पेज को फॉलो कर सकते हो, आप उसके पेज को, उसकी जो पेजेस है उसके वीडियोस डाउनलोड करके अपने पेज पे डाल सकते हो, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। तो ये आसान तरीका हमने खुद ही निकाला था कि भैया इतना मेहनत करेंगे तो हमें तो बहुत टाइम लगेगा, तो हमने क्या किया, जो पुराने क्रिएटर्स हैं उनको फॉलो करने लगे, जो मूवीज पहले से पड़ी है फेसबुक पर लोकल पेज पे। ये नहीं कि आप गोल्ड माइन से उठा लेना या फिर RKD स्टूडियो या फिर आदित्य मूवीज, ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं जिनके शिमारू हो गया, जो उनके लोकल पेजेस हैं उन्हां से उठा लो। हाँ, लोकल पेजेस से उठा लो और अपने पेज पे डालो, और उसके बाद आप देखो अपने क्राइटेरिया पे फॉलो करो कि भाई आपका क्राइटेरिया जितना से जल्दी आपको हो जाए, मतलब कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आप एडिटिंग पे फोकस करना कि भैया आपका एडिटिंग अब स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब तक आपका क्राइटेरिया फॉलो पूरा नहीं होगा तब तक आप एडिटिंग करके भी कुछ नहीं कर सकते हो। क्राइटेरिया पूरा हो गया, पेज को अगर पॉलिसी इशू है तो आप लाइव वगैरह आओ और 2-3 रिपोर्ट करो, पॉलिसी इशू हट जाता है। ऐसा नहीं है कि पॉलिसी इशू नहीं हटता है, क्योंकि ओरिजिनल पेज पे भी पॉलिसी इशू आ जाता है, आप ओरिजिनल पेज पे भी काम करते हो। तो आप जो पैसा कमाते हो वो कितने तरीके से पैसे कमाते हो, थोड़ा सा आप दिखा सकते हो ऑडियंस को? जी सर, मैं पहले कुछ बता देता हूँ, उसके बाद मैं लाइव प्रूफ में आपको अपना पेज दिखाऊंगा कि मैं कितने तरीके से पैसा कमाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया फेसबुक पर ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, आपने बहुत बार सुना होगा, तो मैं आपको बता दूं फेसबुक से पैसे कमाने के तरीके। पहला तो आप किसी भी पेज को जो इंस्टाग्राम ऐड से कमाते हो, दूसरा नंबर अगर आप इंस्टाग्राम ऐड से मोनेटाइज नहीं हो रहा है, मान लो कि आप एडल्ट कंटेंट डाल रहे हो, 18+ कंटेंट, तो उसमें क्या होता है वीडियो के बीच में जो बहुत सारी ऐसे गुप्त रोग वाली बीमारी होती है उसका एक ऐड देते हैं, आपका वीडियोस अगर सही तरीके से चल रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपके पेज पे मेल डालते हो, तो मेल के थ्रू वो आपको मेल करते हैं कि भैया हम अपने प्रोडक्ट का आपके वीडियो के अंदर थोड़ी सी क्लिप देंगे जिसको ऐड करना है, और एक एक वीडियो का वो लोग सिर्फ ऐड करने, क्लिप के बीच में ऐड करने का दोनों 20 पार्ट से, ताकि वो वीडियो चलता रहे और उसके बीच में उनका ऐड आ जाए कि भैया आपका अगर कोई ऐसी समस्या है तो आप इस चीज़ को ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे नंबर है, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर लाइक आप अगर फेसबुक यूज़ करते हो तो आपको पता भी होगा कि वीडियो के बीच में एक होता है जो फेसबुक खुद आपको दिखाता है, एक होता है जो वीडियो के बीच में ही ऐड होता है, तो वो ऐड में वो वीडियो के बीच में क्लिप डाल के और उसको अपलोड करना होता है, जिसके 500, 1000, 2000 रुपये चार्ज करते हैं, जैसे आपके वीडियो वायरल हो रहे उस हिसाब से। तो ये तो रहा हो गया दूसरा तरीका। आप जो रील अपलोड करते हो, रील का क्या प्रोसेस है, रील भी आप अपलोड करते हो? जी सर, रील्स का बहुत ही आसान प्रोसेस है। रील्स अगर आप किसी ऐसे पॉपुलर क्रिएटर का डाल रहे हो जो कि पहले से पॉपुलर है, तो उसमें थोड़ी एडिटिंग करनी होती है। अगर आप कोई दूसरे क्रिएटर का डाल रहे हो जो कि पॉपुलर नहीं है बट उसका रील्स बहुत अच्छा है, तो जैसे कि मैं आपको एक पेज अपना दिखाना चाहूँगा रील्स वाला, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए मैं मोबाइल के स्क्रीन पर आप सभी को ले चलता हूँ, जहाँ पर पूरा क्लियर दिखाऊँ। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डर चालू करता हूँ और चलिए फेसबुक को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये फेसबुक ओपन हो गया, लेकिन ये 3 लाइन पर क्लिक करके मैं आपको पेज का नाम बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, इस पेज का नाम है मिरांडा कोहेन, ठीक है। और इस पेज पे जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे नाम पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो 5 लाख फॉलोअर्स है। इस पेज का मैं लिंक दे दूंगा सर डिस्क्रिप्शन में, डाल सकते हैं, जिसको शक है जाके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगर हम डैशबोर्ड पे ये देख सकते हो रील्स, पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ कि रील्स कैसी है, फिर मैं अर्निंग चेक कराता हूँ। आप देख सकते हो ये फिटनेस वाली रील्स है जो कि किसी और की है, फॉरनर कंट्री की है, इसको हम प्रीमियम कंटेंट बोलते हैं, ये कोई भी देख सकता है। और आप देख सकते हो इस पे व्यूज़ ज़्यादा नहीं है, 28,000, 12,000, 23,000, 31,000 ऐसे व्यूज़ है, फिर भी इस पे इसका RPM जो है कि रील्स में भी इस पे एड्स ज़्यादा चलते हैं। मैं डैशबोर्ड पे अगर मैं क्लिक करूं तो आपको मैं चलो डैशबोर्ड पे ले जाके पूरा अर्निंग मैं पूरा आपको दिखाता हूं कि एड्स और रील से कितना कमाए। तो आप रीच देख सकते हो कि अभी माइनस में, यहां पे 3.4 मिलियन यहां पे रीच है
और लास्ट 28 दिन में 68,000 फॉलोअर्स है, यानी कि प्रीमियम कंटेंट बहुत ही तेजी से वायरल होता है और ज़्यादा अर्निंग होता है। यहाँ पर मोनेटाइजेशन पे मैंने क्लिक किया और ये एड्स ऑन रील पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ मैं एड्स ऑन रील पे क्लिक करने के बाद कितने डॉलर यहाँ पे बनते हैं। तो नीचे इंस्ट्रीम एड से भी मोनेटाइज है, ऊपर स्टार से भी मोनेटाइज है। अब एड्स ऑन रील जैसे ओपन होता है, नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, तो देखो ऑन हो चुका है और यहाँ पे देखो $192 की अर्निंग है, जो कि सिर्फ 28 दिन का बता रहा है, ये ज़्यादा दिन का नहीं है 28 दिन का। और क्या किया मैंने इस पे सिर्फ ऐसा किया कि मुझे फेसबुक पर, मैं थोड़ा पुराना हो चुका हूँ तो मुझे पता है कि इस टाइप के कंटेंट वायरल होते हैं। तो इसका इंस्टाग्राम पे एक पेज है मिरिंडा कोहेन का, आप जाके सर्च भी कर सकते हो, वहाँ से इनकी सारी रील्स को हम डाउनलोड करते हैं। जस्ट 5 सेकेंड लगता है, 5 से 10 सेकेंड, वहाँ से रील्स को डाउनलोड किया और यहाँ पे हम लोग अपलोड कर देते हैं, इसको एडिटिंग भी नहीं करते। और महीने का देख सकते हो 16,000 प्लस यहाँ पे अर्निंग हो रही है सिर्फ और सिर्फ ये 10 सेकेंड मेहनत करने का। मतलब कोई मेहनत नहीं, केवल यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है बस। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स सोचेंगे कि भाई इतना ही मेहनत करना होता, तो इतना मेहनत नहीं। जब आप इस फील्ड में आ जाते हो तो आपको पता चलता है। तो ये हमने अपने अपने, जैसे जैसे हम इस फील्ड में पुराने होते गए वैसे वैसे हमें पता चला कि भैया इस तरह की रील्स भी है जो कि फेसबुक पर ज़्यादा मतलब रीच देगी, क्योंकि वहाँ पे फिटनेस की रील है और लेडीज़ की रील है, तो इस टाइप की रील्स लोग ज़्यादा देखते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया तो वो अच्छा खासा रील्स पकड़ने लगा। तो ये हमारा कई बार हम एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं। तो ये सिर्फ आप ये रील्स किसी का उठा के नहीं डाल सकते हो, आप किसी के लॉन्ग वीडियो का भी शॉर्ट बना सकते हो। लाइक हमने थोड़े दिन पहले मिस्टर बीस्ट का किया था, तो थोड़े दिन तक उससे अर्निंग हुआ, उसके बाद वहाँ पे अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड हो गई। तो आप हर फील्ड में इसमें ट्राई कर सकते हो और इसमें मल्टीपल कैटेगरीज है, जरूरी नहीं कि आप एड्स ऑन रील्स या फिर मूवी क्लिप से ही अर्निंग कर सकते हो। अच्छा, जो मूवी आपने अपलोड किया है वो मूवी आप डाउनलोड कहाँ से करते हो, मतलब गूगल से डाउनलोड करते हो या फिर कहाँ से डाउनलोड करते हो? देखो सर, पहले हम लोग मूवीज़ को डाउनलोड करते हैं फेसबुक से ही डाउनलोड किया। पहले हम वेबसाइट से डाउनलोड करते थे, ठीक है, फेसबुक से डाउनलोड किया, डाल दिया, क्राइटेरिया पूरा हुआ, अगर पॉलिसी इशू है तो पॉलिसी इशू को रिमूव करते हैं। उसके बाद जब पेज मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद हम लोग करते हैं वेबसाइट से डाउनलोड। अब वेबसाइट बहुत सारी, फिल्मी जिला, फिल्मी फोर वेब, इस टाइप के वेबसाइट आपको मिलेंगे जहाँ पे न्यू मूवीज़ आते हैं हॉल प्रिंटेड, जो कि आज टाइम हॉल प्रिंटेड भी बहुत अच्छी मूवीज़ होती है। उस मूवी को आपका मोनेटाइज है तो आप देखो कि फेसबुक पे उस टाइप की मूवीज़ है या नहीं, तो उस मूवीज़ को डालते जाओ, क्योंकि जो नए नए मूवीज़ होता है उसका OTT किसी ने खरीदा नहीं होता, क्योंकि 3-4 महीने तो OTT आता नहीं है बहुत सारी फिल्म का। अगर आपका कोई बहुत बड़ा एक्टर है, लाइक कि जो फिल्म बहुत ही हिट होने वाली है, जैसे कि आपको पता है पुष्पा फर्स्ट आई थी तो पुष्पा 2 हिट होने वाली है, तो जब पुष्पा 2 रिलीज़ होने से ही पहले उनका OTT खरीद लेते हैं अनदर प्लेटफॉर्म, तो आपको उन मूवीज़ को नहीं लेना। जैसे कि कांतारा मूवीज़ आई थी तो उसको कोई जानता नहीं था, बट कांतारा मूवीज़ को जितनी तेज़ी से वायरल होने लगी, उसका रील्स डाल, मूवी क्लिप डाल डाल के लोगों ने फेसबुक से बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया। वैसे ही एक द केरला स्टोरी, कांतारा मूवी की जी, वैसे एक केरला स्टोरी थी, फिर उसके बाद द कश्मीर फाइल्स आई। तो ये छोटी छोटी मूवीज़ ऐसी होती है जिसका कोई नामो निशान नहीं होता, लेकिन इनकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है और जब चर्चित में आती है तो ये मूवी क्लिप्स उस कंटेंट को अपलोड करके लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं। जी सर, जी सर, इस टाइप के कंटेंट को बहुत, क्योंकि आपने, जी सर, अच्छा आपने $1400 कमाया था केवल मूवी अपलोड करके? जी सर, ये सिर्फ क्या हुआ कि वो पेज क्यों बंद हो गया? सर उस वक्त आदि पुरुष आई थी, तो आदि पुरुष टी सीरीज वालों का था, तो हमने उस वक्त एक रिस्क लिया कि चलो भाई आदि पुरुष डाल के देखते हैं, हॉल प्रिंटेड था। तो जब आदि पुरुष हमने डाला तो जो $1400 देख रहे हो ना, वो $1400 उस वक्त पेज हमारा डिलीट नहीं हुआ था, उस $1400 से हमारा एक वीडियो वायरल हुआ आदि पुरुष का, उससे सिर्फ 14 घंटे में ही $700+ उससे हमने अर्निंग किया था। लेकिन जब हमने दूसरी मूवी क्लिप्स डाली तो वो वीडियो ब्लॉक हो गया था और वहाँ पे अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड हो गई। तो फिर हमने उस अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड को हटा के और उससे हमने पैसे निकाल लिए और जो पैसा पेमेंट हमारा हो गया, जैसे कि वहाँ पे पेड दिख रहा होगा आपको, पेड हो गया। तो फिर हमने सोचा कि भाई आदि पुरुष के यहाँ पे फॉलोअर्स है, आदि पुरुष हमने पहले डाला था तो आदि पुरुष देखने वाले फॉलोअर्स है, तो हमने फिर से वहाँ पे आदि पुरुष का क्लिप डालना शुरू कर दिया। तो उस दौरान टी सीरीज वालों ने हमारा जो पेज है उसको डिलीट कर दिया। केवल 14 घंटे में $700 की अर्निंग? जी सर, उस वक्त क्या है ना कि वो वीडियो बहुत ही ज्यादा, मतलब वो मूवी कंट्रोवर्सी में थी और उस दौरान उस मूवी का कंट्रोवर्सी की वजह से बहुत सारे लोग उसको देखना चाह रहे थे, तो कंट्रोवर्सी। ये आदि पुरुष जो मूवी है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक? जी जी, आदि पुरुष मूवी। और वो उसपे टोटल कुल कितने मिलियन व्यूज आ गए थे 7 से 14-15 घंटे में? 28 मिलियन व्यूज आए थे उस पे 14 घंटे में और उस वीडियो पे 1.3 मिलियन लाइक था। और जैसे कि मैं दोस्तों बता दूं कि जैसे भी कोई चीज़ कंट्रोवर्सी में जब ज़्यादा घिर जाती है ना, या फिर कोई जिस चीज़ का ज़्यादा पब्लिसिटी हो रहा है, चाहे वो ख़राब हो या फिर अच्छा हो, तो उस टाइप की मूवीज़ आप डालते हो तो बहुत ही तेज़ी से वो वायरल होता है फेसबुक पे। तो उस दौरान वो मूवीज़ जो है कि बहुत ही तेज़ी से वायरल हुआ
और सिर्फ 14 घंटे में $700 बना के दिया था, और टी सीरीज वालों ने फिर उसको ब्लॉक कर दिया उस मूवी को। तो जो मूवी से जो अर्निंग हुआ था वो ऐड हो चुका था, तो वो डॉलर जो है वो आ जाता है। और टी सीरीज वालों ने भी देखा होगा कितना ज्यादा व्यूज, 28 मिलियन व्यूज। जी सर, जी सर। और वो पता है इसलिए नहीं चला, ऐसे तो टी सीरीज वाले मूवी को हम डालते हैं तो उसी वक्त ब्लॉक हो जाता है, लेकिन वो मूवी जो हॉल प्रिंटेड था इस वजह से वो जल्दी मैच नहीं हुआ। और फेसबुक एक ऐसा है जी कि वहाँ पे उनका सिस्टम इतना अभी स्ट्रांग नहीं है, तो वहाँ पे टाइम लगता है थोड़ा किसी भी चीज़ को मैच करने में। आप प्योर चीज़ डाल देते हो तो वो उसी वक्त मैच कर लेगा, लेकिन उसमें कुछ एडिटिंग होता है या फिर हॉल प्रिंट हो तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है उनको मैच करने में। लेकिन अगर फिर भी हम अगर कहें कि पैसे कमाने के लिए, अगर मालूम मेरे को एग्जैक्ट फेसबुक से पैसे कमाना है कॉपी पेस्ट से, तो मेरे को स्टेप वन क्या करना चाहिए, इतने टाइम क्या बेटर है? अभी के टाइम में अगर आप एकदम बिगिनर हो, एकदम नए हैं और आपको किसी चीज़ का पता नहीं है, तो सबसे पहले आपको रील्स पे काम करना चाहिए। एक पेज बना लो और उस पेज में आपको जिस टाइप की रील्स डाल रहे हो, या फिर म्यूजिक वाली, या फिर वाइल्ड, या फिर एनिमल्स, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज होती है उसमें, तो उस टाइप के पेज का कैटेगरी सेलेक्ट करके और जिस टाइप की रील्स डालना है, तो पहले आप रील्स पे काम कर सकते हो, क्योंकि रील्स में बहुत ही ज़्यादा रीच है, बहुत ही जल्दी रील्स वायरल होती है फेसबुक पे, और उसमें है कि आप एड्स ऑन रील से अर्निंग कर सकते हो, और उस दौरान आप सीख भी जाओगे कि किस टाइप की वीडियोस चलती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसको टाइम दोगे ना, उतना ही ज़्यादा उसको आप ऑब्जर्व करोगे कि इस पर किस तरीके से काम होता है। जितने ज़्यादा पेजेस पे और जितने ज़्यादा कैटेगरी पे धीरे धीरे बढ़ते जाओगे, वही आपको बेटर रहेगा। लेकिन आप सोचोगे कि एक ही बार लंबा छलांग मारने की, तो वो थोड़ा आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, वो फंस जाएगा ना, क्योंकि एक दिन में सोचा करोड़पति बनने का, तो गड़बड़ ही हो जाओगे। जी जी सर, तो वही है। तो मैंने भी बहुत टाइम दिया था, और जब मैं टाइम दे रहा था तो मेरे को तो पता भी नहीं था कि भाई फेसबुक पर भी कॉपी पेस्ट करके अर्निंग करते हैं, और जो मैं काम कर रहा हूँ इससे लोग लाखों रुपये कमा रहे हैं, और मुझे सिर्फ 20 रुपये दिया जा रहा है एक दिन का, या फिर 100 रुपये दिया। मतलब आपको दही दिखा चूना चटा रहे थे। जी सर, जी सर, कुछ ऐसा ही था। लेकिन वो फिर भी वो चीज़ थी कि आज आपको वो नॉलेज मिल गया और आप पैसे कमा लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा से अर्निंग के बारे में। तो अभी आपकी मंथली अर्निंग कितना होती है कॉपी पेस्ट से? देखो सर, मंथली अर्निंग की बात करें तो ये ऐसा नहीं है कि एक फिक्स होता है, ये पेज मोनेटाइज के ऊपर है। किसी महीने 1.5 लाख भी हो जाती है, किसी महीने 2 लाख भी हो जाती है, किसी महीने उससे ज़्यादा हो जाती है, तो किसी महीने 50,000 ही रह जाती है। जितना पेज आप मोनेटाइज कर पाते हो, जितना अच्छे से वर्क कर पाते हो, उतना ही ज़्यादा आपकी वीडियोस मतलब या आप अर्निंग कर पाते हो। फिल्म रखिए कि अभी आप फेसबुक से बहुत अच्छा खासा पैसा कमाने लगे हो। जी सर, ठीक है। तो आई होप आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अगर कोई डाउट हो, कुछ भी अगर डाउट हो, ठीक है, तो आप इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगर मेरे से कुछ चीज़ें अगर जाननी है कुछ भी हो तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम रोहित राज मोटिवेशन लिखना, और इनमें जो भी चीज़ें इनसे भी डाउट होगा मैं वहाँ पर भेज दूंगा, ठीक है। तो बाकी चैनल पर नए यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फिर मिलेंगे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।